जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी हमला करने के लिए पुराने आतंकियों और ओडब्ल्यूजी की मदद ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी जम्मू कश्मीर में हमले करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। लोकल सपोर्ट की कमी के चलते आतंकी अब पुराने आतंकियों की मदद ले रहे हैं जो पहले पाकिस्तान या फिर पीओके भाग गए थे। दरअसल इन्हें इलाके की पूरी जानकारी होती है, साथ ही ये आतंकियों को लोकल सपोर्ट और लॉजिस्टिक मदद भी देते हैं। जहां एक तरफ लोकल सपोर्ट को खत्म करने के लिए तेजी से अलग अलग लॉज भी लाए जा रहे हैं, कानून लाए जा रहे हैं, बट उसी बीच अब आतंकियों की जो नई स्ट्रेटजी है ये सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द जरूर बनी है, पर सुरक्षा बलों ने इसको भी डिकोड करते हुए तेजी से इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और पाकिस्तानी आतंकी इन्हें अपने साथ लाकर हमलों की योजना बनाते हैं और उन्हें अंजाम देते हैं। अभी आप देखिए उसके बाद दो तीन इंसिडेंट और हो गए, तो ये दर्शा रहा है कि वो जो गाइड हैं उनके वो उधर से जो हैं भेजे गए हैं, जिनको टेरेन भी पता है और जिनको रास्ते भी पता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल्स के इस्तेमाल की बात सामने आई है, जिससे लेकर एक्सपर्ट चिंता जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनके पास ये हथियार पहुंचे कैसे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों को कड़ा जवाब दे रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए, जिनमें M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल भी शामिल है, जिनका उत्पादन अमेरिका में होता है। 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सेना के बचे हुए हथियार पाकिस्तान के जरिए घाटी में आतंकवादियों तक पहुंच गए। 1980 के दशक से अब तक 5 लाख से ज्यादा M4 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन हुआ है, जिससे एक मिनट में 700 से 970 गोलियां दागी जा सकती हैं और इससे 500 से 600 मीटर दूर लक्ष्य को भेदा जा सकता है। दरअसल दावा ऐसा भी किया जा रहा है कि तालिबान का एक धड़ा हथियारों का डीलर बन गया, जो इन हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के बाद एक और आतंकी वारदात सामने आई। उधमपुर में आतंकियों ने पुलिस पोस्ट को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी हमले के बाद हरकत में आए सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग खड़े हुए, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इधर जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों को लेकर पुलिस और एक्टिव हो गई है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के DGP और पंजाब पुलिस के DGP के बीच कठुआ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जम्मू संभाग में 7 आतंकी ग्रुप सक्रिय हैं, जो राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में ये आतंकी सक्रिय हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इधर जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है और जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर सैकड़ों सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा को और बढ़ा दिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर काफी ज्यादा चौकसी जो है बढ़ा ली गई है। चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। करीबन 1 से 1.5 लाख सुरक्षा कर्मी जो है जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो है इस यात्रा की सुरक्षा में लगाए गए हैं। इसके अलावा श्रीनगर, बालटाल और कांजीकुंड पहलगाम मार्गों पर भी सुरक्षा बलों की टीमें तैनात है और जगह जगह पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए RFID कार्ड जारी किए गए और निगरानी के लिए CCTV, PTZ कैमरा, हेक्साकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर कड़ी सुरक्षा के बीच अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से नशे में धुत एक टीचर का वीडियो सामने आया। बिंदुल के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर राम प्रताप रावत शराब पीकर बच्चों को पढ़ाने पहुंच गए और स्कूल पहुंचते ही नशे में टली टीचर ने हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर जब गांव के लोग बाहर निकले तो उन्होंने टीचर को शराब पीकर स्कूल आने के लिए फटकार लगाई, लेकिन नशे में धुत टीचर ने साफ कह दिया कि उसे नौकरी की कोई परवाह नहीं है और प्रिंसिपल के कहने पर ही स्कूल आए हैं। बताइए, आपको नौकरी देने के लिए वहाँ लेने चले गए ना? हाँ, नहीं, हरिद्वार गया ना, प्रिंसिपल है ना, ये मेरे घर मुझे बुलाने गए थे, कहा गए थे कि चले हम नौकरी करें। आज भी आप स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और स्कूल में पढ़ाने वाले कई टीचरों ने भी शराबी टीचर की पोल खोली और दावा किया कि ये शराब पीकर स्कूल तो आते हैं लेकिन क्लास कभी नहीं लेते। ये जो टीचर आपके ये नशे के हालत में धुत यहाँ पे बैठे हैं और क्या इनकी रवैया रहती है, मतलब
बोलो। ऐसे रोज पी के आते हैं क्या? रोज पी के आते हैं? इनका नशे की हालत में रोज स्कूल आते हैं ये? हाँ, ये यही रहते हैं स्कूल में, कमरा ये लिया है स्कूल का ही है जो। ये बच्चे कभी क्लास लेते हैं क्या? नहीं, ये कभी। बच्चों का कभी नहीं पढ़ाते हैं? बताया जा रहा है कि पहले भी कई बार शराबी टीचर की शिकायत की गई थी, लेकिन वो शराब पीकर स्कूल आने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस बार जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने शराबी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लापरवाह टीचरों की लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में ऐसे टीचरों के नाम हैं जो शराब पीकर स्कूल आते हैं, जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं और जो स्कूल से हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। लेकिन नए सत्र में इन टीचरों की खैर नहीं। डिंडोरी विकासखंड के जिला शिक्षा अधिकारी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 15 शराबी शिक्षकों के नाम शामिल हैं। शराबी शिक्षकों की लिस्ट में एक महिला शिक्षक का नाम भी दर्ज है। इसके अलावा दो पत्नी रखने वाले 7 टीचरों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है, जबकि स्कूल से गायब रहने वाले 9 टीचरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगा उससे हम अवगत कराएंगे। शराबी शिक्षकों की लिस्ट जारी होने के बाद से ही जिले के टीचरों में हड़कंप मचा हुआ है। और बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करेंगे, और ये हाल तब है जब गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुले हुए गिनती के कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों के रवैये ने सभी को परेशान कर दिया और बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से भी सामने आई। और दिल्ली के टिकरी कलां के एमसीडी स्कूल में हाल और भी खराब दिखे। यहाँ स्कूल में पढ़ाई करने के लिए आए छोटे छोटे मासूम बच्चों से टीचर कूड़ा उठवाते दिखे। बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने की जगह स्कूल में फैले कचरे को साफ कर रहे थे। ये कूड़ा फेंकने के लिए किसने कहा था आपसे? मैम ने कहा था। अभी हैं क्लास में मैम? कौन सी मैम ने बोला था? कविता मैम। जी न्यूज के कैमरे में टीचरों के ये करतूत रिकॉर्ड होते हुए जैसे ही एमसीडी स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल ने देखा वो दौड़े दौड़े आई। मैम एक बात बताइए, बच्चों से कूड़ा उठवा सकते? अरे नहीं, बच्चे वैसे टीचर ने भेज दिया होगा, वो मुझे नहीं पता, मैं तो ऑफिस में थी। दो बच्चे तो दिखे। नहीं नहीं प्लीज, मेरे ऐसे फोटो मत खींचो, आप हमारे बाहर चलो, आप ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो भाई साहब, मेरी तो नौकरी खतरे में हो जाएगी। प्रिंसिपल लगातार वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाती रही। डिलीट करवा दो इनसे, आप क्या कहते भाई, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप बाहर जाओ। वहीं यूपी के संभल जिले में तो एक टीचर की लापरवाही पर डीएम बुरी तरह भड़क गए। औचक निरीक्षण के लिए सरकारी प्राथमिक स्कूल पहुंचे डीएम ने जब एक टीचर से आसान सवालों के जवाब पूछे तो वो नहीं बता पाए, जिसके बाद डीएम राजेंद्र पेसिया का पारा बढ़ गया और उन्होंने एक शिक्षक का मोबाइल चेक कर लिया। मोबाइल चेकिंग के दौरान पाया गया कि स्कूल के समय में शिक्षक कैंडी क्रश गेम खेलते थे। जिलाधिकारी को शिक्षक के मोबाइल में डाउनलोड ऐप से कैंडी क्रश गेम खेलने के सबूत मिले, जिसके बाद डीएम के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सहायक शिक्षक प्रेम गोयल को सस्पेंड कर दिया। जितने भी हमारे शिक्षक गण है ये विद्यालय के अंदर मोबाइल न देखे। अभी एक शिक्षक ने हमें दिखाया, हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा, उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। इसके बाद भी डीएम राजेंद्र पेसिया का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने टीचर प्रेम गोयल द्वारा चेक की गई बच्चों की कॉपी को चेक किया तो उसमें भी कई गलतियां निकली, जिसके बाद जिलाधिकारी ने टीचरों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित गुड शेफर्ड स्कूल ने तो और भी बड़ा कारनामा कर दिया। स्कूल की तरफ से बच्चों को जो टीसी दिया गया उसमें हिंदू परिवार के कई बच्चों को ईसाई बता दिया, और जिन बच्चों को ईसाई बताया गया उसमें एक ही परिवार की 2 बच्चियां शामिल हैं। टीसी में दोनों बच्चियों को ईसाई लिखने पर उनके माता पिता बुरी तरह भड़क गए और परिवार वालों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी शिकायत कर दी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बच्चों को ईसाई धर्म लिख दिया जबकि हिंदू धर्म लिखना चाहिए था। बच्चों के माता पिता ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की है और गुड शेफर्ड स्कूल पर हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कराने और धर्मांतरण कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। बच्चियों के माता पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि स्कूल वालों ने टीसी में उन्हें ईसाई बता दिया, इसलिए उनकी बच्चियों को दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। और अग्निवीर पर चल रही सियासत के बीच युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं का दावा है कि अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का हो या 40 साल का, वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं ताकि वो देश की सेवा कर सकें। बिहार के मुजफ्फरपुर में अग्निवीर योजना के तहत
भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निवीर योजना की तारीफ की। रात का समय है, 12 बजने को है और लोग लाइन में अभ्यर्थी लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इनके सारे डॉक्यूमेंट्स का जांच होगी, उसके बाद इन्हें दौड़ के लिए शामिल कराया जाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों ने ये दावा भी किया कि इस योजना से बेरोजगारी दूर होगी, साथ ही सभी को योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। ठीक ही है, ऐसे ही थोड़ा 4 साल का है जॉब, तो सबको 50-50 मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मौका मिल सकता है। इसे इस अभियान से सबको मौका मिलना चाहिए। युवाओं ने अग्निवीर योजना पर हो रही सियासत को भी गलत ठहराया। नीट पेपरली केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर परीक्षा में बड़ी धांधली से इनकार किया है। और नीट परीक्षा लीक में सरकार ने अपनी दलील रखी और कोर्ट को बताया कि सरकार दोबारा परीक्षा करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स के डेटा एनालिसिस से बड़ी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले। सरकार ने बताया कि ज्यादा अंक पाने वाले छात्र अलग अलग परीक्षा केंद्र से थे, साथ ही जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू करने की बात कही। इधर विपक्ष भी कह रहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ करना, ये उनके साथ सख्त नाइंसाफी है। हम तो उम्मीद करेंगे कि चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे अदालत हो, चाहे हुकूमत हो, कहीं ना कहीं फैसला किया जाए। सरकार के साथ साथ परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और कोर्ट को बताया कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, कोई भी प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। एनटीए ने गड़बड़ी के 153 मामलों की बात मानी, जिसके चलते 81 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका। साथ ही एनटीए ने पेपर लीक के वायरल वीडियो को भी झूठ बताया। दरअसल 5 मई को पूरे देश में नीट की परीक्षा हुई थी, जून को परिणाम घोषित हुए थे, जिसमें कई छात्रों को पूरे अंक हासिल हुए थे, जिसके बाद सवाल उठे थे। भारत में लोगों में डिजिटल भुगतान की आदत बढ़ती जा रही है और अब सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी डिजिटल लेन देन बढ़ा है। छोटे शहरों में कुल लेन देन का 65% डिजिटल लेन देन हो रहा है। 120 से ज्यादा शहरों में हजारों लोगों और दुकानदारों के बीच हुए सर्वे में ये आंकड़े सामने आए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की खरीदारी में डिजिटल लेन देन बढ़ा है। 25 से 43 साल के ग्राहकों ने सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन किया है। ऑनलाइन लेन देन में 53% ग्राहकों की पसंद UPI है, यानी वो डिजिटल लेन देन के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 30% ग्राहकों को कार्ड से भुगतान करना पसंद है। बड़े शहरों में 75% डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन मार्केट में कैश का उपयोग ज्यादा हो रहा है। इधर प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक केस में भी एक्शन तेज हो गया है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा पेपर लीक के मामले में यूपी के 2 विधायकों पर शिकंजा कसा है और कोर्ट ने इन 2 विधायकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। एसटीएफ ने दोनों के खिलाफ 2006 में केस दर्ज किया था। दोनों के पास लीक पेपर बरामद होने का दावा किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ओपी राजभर की पार्टी के विधायक बेदीराम और भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ वारंट जारी किया। कुछ दिन पहले SBSP के विधायक बेदीराम का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो पेपर लीक में शामिल होने की बात कबूलता हुआ सुना गया। इधर विधायकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और आरोपी विधायकों को मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की। अपने केंद्र की भाजपा के दबाव में नहीं आती है तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को इन्हें NDA से अलग कर देना चाहिए। और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी रणनीति बदल दी है और मायावती ने हरियाणा की सियासत में अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया है और इसके लिए BSP ने अभय चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से हाथ मिलाया है और साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया और हरियाणा विधानसभा चुनाव में BSP 37 सीट पर और INLD 53 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। BSP इससे पहले भी हरियाणा में कई बार गठबंधन का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिका। सबसे पहले BSP ने 1996 में INLD से गठबंधन किया था, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया था जो चुनाव से पहले ही टूट गया, लेकिन इस बार BSP को गठबंधन की जीत का पूरा भरोसा है। पर इस बार हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे जबकि सरकार भी बनाएंगे। गठबंधन के बाद अभय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस जब घबराहट में होती है तो वो इस तरह की बातें जरूर करती है,
वो जरूर इस तरह की बातें करते हैं। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा का एजेंट है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। Z News.